3:30 हम आ करके बोले कि तो बोले मैं बोला आरा ले जा रहा हूँ, तो बोले नहीं यहाँ पे सारे चीज़ का व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा और बच्चे का रखने के लिए भी क्लास में व्यवस्था है। फिर मैं बोला तब यहाँ पे लाइक करने के लिए, तो फिर 5:30 से 6 बजे के बीच में उन लोग ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह, आप देख रहे हैं परसोमीत लाइव न्यूज। यहाँ दोस्तों आप सबको सबसे एक बड़ी खबर के बारे में बता दूं, खबर जो है भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल का है। जी हाँ दोस्तों, आए दिन भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल ही नहीं बल्कि जगह जगह पर फर्जीवाड़े की तरह प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। पीरो के तिलाठ मोड़ पर एक माँ कृपा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में एक महिला अपना ऑपरेशन जो कि बच्चे यानी डिलीवरी होने के वक्त गई थी। हालांकि आपको बताते हैं उस महिला का मौत हो गया है, और उस हॉस्पिटल के बारे में आपको बता दें कि उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आरजेडी का एमएलसी और जदयू का जहानाबाद का सांसद आए हुए थे। हालांकि इस तरह के हॉस्पिटल को जो है प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाने के लिए सांसद और एमएलसी आते हैं, तो समझना है कि आने वाले समय में किस तरह से हमारे देश और हमारे राज्य जो है तरक्की करेगा। इनके द्वारा मरीजों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन भी आप लोगों को घटना बताए थे, एक घटना जो है पीरो शहर में भी घटी थी, जिसका प्रशासन के माध्यम से उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। जी हाँ, लेकिन ये घटनाएं जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासन आते हैं, जाँच करते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर इस तरह की जो घटनाएँ जो हैं घट जाती है। आपको बताएँ कि फिर माँ कृपा इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है तिलाठ मोड़ पीरो में है, जिसके माध्यम से एक मरीज को मार दिया गया है। वो मरीज का घर चतुर्भुजी बराव गांव का बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रिया कुमारी बताई जा रही है और पति का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनके पति का कहना है कि जब वे इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए, तो अस्पताल वाले का कहना था कि हमारे यहाँ उचित व्यवस्था उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिला का डिलीवरी होने वाला था, और वे महिला को लेकर सभी उनके परिजन उस अस्पताल में गए थे, लेकिन अस्पताल वाले के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा उस महिला का ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद उस महिला का जो ब्लड है, ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब वे अस्पताल के प्रबंधक लोग उस महिला को रेफर कर दिए, रेफर यानी आरे शहर में रेफर किए। हालांकि आरा शहर में एक अस्पताल में रेफर किए थे, हालांकि वे अस्पताल भी उन महिला को लेने में असमर्थ थे और मना कर दिया कि उस महिला को वे लोग संभाल नहीं पाएंगे। हालांकि उसके बाद उस महिला को पटना रेफर कर दिया गया था, हालांकि पटना ले जाने के क्रम में ही उन महिला का मौत हो गया। आपको बता दें, आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है हर जगह होते हो रही हैं, और फर्जीवाड़े की तरह अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है और पीरोवासी का कहना है कि प्रशासन आते हैं और फिर मैनेज कर कर चले जाते हैं। हालांकि देखते हैं कि क्या आगे प्रशासन किस तरह से अपना रवैया अपनाती हैं, और माँ कृपा इमरजेंसी हॉस्पिटल को लेकर क्या रुख अपनाती हैं और किस तरह से इस पर कार्रवाई करती हैं। हालांकि आपको बताते हैं, ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं, एक माँ कृपा इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है जो कि पीरो में फर्जीवाड़े की तरह चल रहा है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, पिछले दिन 3 से 4 नर्सिंग होम, क्लिनिक और हॉस्पिटल को सील किया गया था। हालांकि उस वक्त बहुत सारे अस्पताल जो है लॉक लगाकर भाग गए थे। हालांकि दोबारा जो है प्रशासन, हम रिक्वेस्ट करेंगे और लोगों का कहना है कि प्रशासन जांच करे और एक्शन तुरंत ले, ताकि इस तरह की जो घटनाएं जो हैं फिर दोबारा ना घटे। और आपको बता दें, महिला ही नहीं बल्कि उनके पेट में जो पल रहे बच्चे भी नहीं बच पाया। यहाँ दोस्तों आप लोग देख रहे हैं परसोमीत लाइव न्यूज, आइए देखिए महिला के पति क्या कह रहे हैं, उस अस्पताल महिला के बारे में क्या कह रहे हैं। का नाम पड़े अपन? सुनील कुमार। के रही जेकर मौत हुए? ये हमार पत्नी रही। का नाम उनका? प्रिया कुमारी। उम्र का होते इनका? उनका 26 साल उम्र। कै बजे लेके आए रही हॉस्पिटल में? सुबह 3:30 बजे। ऑपरेशन कै बजे भैया? सुबह 3:30 बजे हम आ करके बोले कि तो बोले मैं बोला आरा ले जा रहा हूँ, तो बोले नहीं यहाँ पे सारे चीज़ का व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा और बच्चे का रखने के लिए भी क्लास में व्यवस्था है।
फिर मैं बोला जब यहाँ पे लाइक करने के लिए, तो फिर 5:30 से 6 बजे के बीच में उन लोग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उन लोगों ने बोला कि उनका रिक्वायरमेंट है, तो उनके चाचा जी का सेम ब्लड ग्रुप था, तो उनको बुला करके हमने ब्लड डोनेट कराया। ब्लड डोनेट करने के बाद में वो 10 मिनट के बाद बोले कि आरा लेकर के जाइए माँ शारदा हॉस्पिटल में। तो हम लोग सेम टाइम यहाँ से निकले आरा के लिए। आरा करीब हम लोग 7:30 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने दवाई वगैरह थोड़ा सा दे करके गाड़ी में ही बीपी का और इसे एनेस्थीसिया वगैरह जो बेहोश करने के लिए था वो उन्होंने दिया वहाँ से। फिर उन्होंने बोला पटना रेफर कर दिया, वहाँ पे जीवनदीप मेडिकल करके कोई है उसमें। यहाँ पे किस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करा? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम नहीं जान रहे आप? नाम नहीं पता। जब डॉक्टर के नाम नहीं जान रहे तब कहीं पेशेंट लेकर कैसे चलेगा? तो डॉक्टर का यहाँ पे नाम शादी अभी पिछले साल मई में हुआ था, पहला बच्चा। आपकी पत्नी का मायके कहाँ? मायके है मझौली में। कौन कौन आपके साथ में आया है? कौन कौन आपके साथ अभी है? हमारे साथ में तो अभी सब लोग हैं, मैं हूँ, गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनके चाचा चाची भी हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त लोग भी हैं। अभी इसके बाद क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, हम तो मांग यही करेंगे इस तरह के जो भी हॉस्पिटल है उनको ख़त्म कराया जाए अभियान चला करके। प्राथमिकी दर्ज कराना है या यहीं पर रफा दफा करना है मामला? नहीं, प्राथमिकी दर्ज करा करके इस तरीके से। ऐसा भी होता है, अभी एक मामला यहीं पर हुआ था तो वहाँ लोग पैसे लेकर रफा दफा। नहीं, हम यही चाहेंगे कि पैसे वैसे तो क्या करेंगे लेकर के ज़्यादा, हम अपने लिए इस तरीके का जो हॉस्पिटल है उसको जितना शीघ्र हो के कार्रवाई करके बंद कराया जाए, और फ्यूचर में क्योंकि ऐसा फिर दोबारा किसी और के साथ इंसिडेंट हुआ।